हे गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई हूँ मैं आपके अपने रिट्स एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो की रिएक्शन है ना वो आप खुद चलकर देखो क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बाकी मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। सख्त लौंडा किससे बात कर रहे हो? हेलो हाय रिट्स, सॉरी रिट्स, हाथ तो मिला लो। पोटी करती हूँ लेकिन हाथ धो के आती हूँ। क्या नाम है आपका? आपसे मतलब हो जाएगा, नाम ही तो पूछ रही हूँ, क्या हो गया? आप प्लीज कहीं उड़ जाके बैठो। ऐसे बिहेवियर यार बड़ा रूड हो यार तुम तो सच में। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया यार, आप कहीं उड़ जाके बैठो या फिर पूछ रहे हैं। बहुत सारे हैं तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है यहाँ पे, बैठना तो तुम्हारे पास ही है। इतना सीरियस किससे बात कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। यार बात तो कर लो यार, इतनी स्मार्ट सी लड़की, प्यारी सी लड़की तुम्हारे बगल में आके बैठी है और देखो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या होता है स्मार्ट होने? कुछ भी तो नहीं। स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। मुझसे पूछो क्या हो गया, सब ठीक है? जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या सही नहीं चल रहा है? तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही आसान तरीका, वो भी बहुत सारे पैसे कमाने का। तो गाइस फोरबेट पे एक बहुत ही मजेदार गेम आई है जिसका नाम है टैबो। तो गाइस इससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं वो भी कुछ सेकेंड्स में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको गेम ओपन करती हूँ, खेल के दिखाती हूँ टैबो। अब इसमें मैं आपको खेल के दिखाती हूँ इसलिए आप कैसे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे मैंने स्पिन किया, वाओ। तो गाइस देखा यहाँ पे मैंने आपके सामने जीत लिया पूरे 1500 रुपये। तो मैं यहाँ पे दोबारा स्पिन करती हूँ, तो देखा यहाँ पे मैंने दोबारा 1000 रुपये जीत लिया और ईजिली ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गया है ऑटोमेटिकली। तो गाइस देखा आप लोगों ने, मैंने 1 मिनट से भी कम समय में इतने सारे पैसे कमा लिए जितना एक ऑफिस वर्कर एक हफ्ते में कमाता है यार। तो फोराबेट का एक बहुत ही अच्छी साइट है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो फोराबेट साइट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट करो फोराबेट को और बहुत सारा पैसा कमाओ। ब्रेकअप हो गया होगा पक्का, यही चल रहा है ब्रेकअप। किसी की जिंदगी में ब्रेकअप इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि ब्रेकअप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है सारी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फ्रेंडशिप होती है इंसान की जिंदगी में। फ्रेंडशिप तो होती है, वो तो बढ़िया होती है यार, मतलब फ्रेंडशिप से बढ़ के है क्या दुनिया में? फ्रेंडशिप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, फ्रेंडशिप सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में। जैसे आप अपने फ्रेंड्स होते हैं उनसे प्यार करते हैं उतना। क्या हुआ, किसी फ्रेंड से लड़ाई होगी क्या? किसी से लड़ाई नहीं हुई है, बस ब्लॉक कर दिया क्या? नहीं ब्लॉक नहीं किया हुआ। फिर मैं ना वहाँ से देख रही थी, आप ना बड़े उदास से लग रहे थे, तो मैंने कहा यार मेरा ना काम है ना, जहाँ पे ना उदास लोग होते हैं ना भगवान मुझे वहीं पे गिर देता है कि जाओ अभी इन्हें हंसाओ, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा चल यार बंदे के फेस पे थोड़ी स्माइल लेके आती हूँ और पैसे भी नहीं लूँगी तुमसे स्माइल कराने के। यार वो बात नहीं है, फ्रेंड से लड़ाई होगी क्या, सही बताओ? फ्रेंड से लड़ाई नहीं है। तो बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं वहाँ 4 लोगों को जाके नहीं बताऊँगी। बट यहाँ पे आजकल बहुत प्रैंक वगैरह शूट हो गए ना, तुम भी कहीं वीडियो वगैरह तो शूट नहीं कर रहे हो मशहूर होने के लिए? नहीं नहीं यार, मशहूर होने के लिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर रही, मेरा तो बस तुम अपसेट से लग रहे थे, मैंने बोला यार भगवान का मैसेज आया यहाँ पे कि रिट्स बात ये है, सामने ना एक ना ये डेनिम जैकेट में लड़का बैठा है और वो बड़ा परेशान है, तो जा और उसको ना थोड़ा सा हंसा के आ। अब तुम्हें पता है हंसाना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है, तो तुम यहाँ पे परेशान से दिखे, मैं तो थोड़ा मस्का मस्का लगाने आई थी लेकिन तुम परेशान इतने हो, तो मेरा मूड ही खराब हो गया और तुम हंस भी नहीं रहे हो। यार मेरा अपना मूड बहुत खराब है। कुछ तो हुआ होगा, आप शेयर कर सकते हो ना मेरे से, एज अ गुड फ्रेंड शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स अभी नहीं है लेकिन बन सकते हैं ना। यार एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ कुछ दिन पहले उसका ना एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, चीज़ की वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो एकदम से ही, मतलब समझ रहे हो ना, हम बचपन से साथ थे, बहुत एक दूसरे में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब क्लोज थे हम, तो अब एकदम से ये हो गया, तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत अपसेट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी से कुछ खाली हो गया, कुछ चीज़ चले गई, तो उस चीज़ की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं मतलब मेरे पास तो अभी कोई वर्ड्स नहीं है, मैं क्या ही बोलूं कि जो इंसान दुनिया से ही चला गया तो मैं उसके लिए क्या कमेंट करूं, पर हाँ मुझे पता दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आप यहाँ अकेले बैठोगे तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा कि और अकेलापन महसूस होगा।
क्या नाम था उसका? उसका नाम नेहा था। नेहा, होता है यार पूरा बचपन से साथ रहना, पूरा पूरा दिन एक ही थाली में खाना, एक दूसरे मतलब दोस्त मतलब क्लोज थे काफ़ी, साथ में ही घूमना हर टाइम, हमारी स्कूलिंग भी इकट्ठे हुई। अगर अब एकदम से जो हो गया तो उसकी वजह से मतलब शौक हूँ, मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं तुम्हारे वाला दर्द महसूस तो कर नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं, मेरे को बहुत बुरा लगा ये सुन के। आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें आके परेशान किया हो, डिस्टर्ब किया हो, लेकिन बात यह है कि सच में यार दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जो दोस्त जब हमारे पास है ना, उनकी कदर करो। कुछ नहीं पता यार ज़िंदगी का, आज हम हैं कल नहीं है, कुछ नहीं पता। हाँ वो तो है, पर अब ये बताओ परेशान रहने से भी क्या होगा? और बताओ ना उसकी बातें, मैं सुनना चाहती हूँ। यार बहुत अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए चीज़ एक्सेप्ट करना कि आप जिसके साथ घूमते थे, जिसके साथ सारा दिन रहते थे, वो एकदम से आपकी लाइफ से अगर चले जाए तो कुछ सोच सकते हो आपके, वो कितना शॉकिंग हुआ आपके लिए। वो चीज़ मैं नहीं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। नहीं, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो, मैं जिस अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो, तो मतलब ये सोच के मेरी तो जान निकलती है कि बस किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, जिससे हम इतना प्यार करते हैं वो छोड़ के चले जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। आदत हो जाती है उन लोगों की, उनके साथ रहने की, उनके साथ खाना खाने की, कपड़े चेंज करने की, हर चीज़ होती है। खैर तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया, मैं तो तुम मत इमोशनल हो, तुम्हारे साथ तो नहीं कोई ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, बट किसी के साथ भी हो ना, किसी के साथ भी ना हो, तुम भी तो किसी के दोस्त ही हो, वो भी तो तुम्हारी दोस्त ही थी ना। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं किसी के दर्द के लिए आते आगे, बाकी सबको तो आजकल अपने अपने वीडियोस वगैरह प्रैंक वगैरह करने, पागल हो गई है दुनिया। दुनिया पागल हो गई है, लेकिन प्रैंक के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि यार दर्द नाम की भी चीज़ है दुनिया में, क्योंकि जो उससे गुजर रहा है ना, सिर्फ वही एहसास, उसी को एहसास हो सकता है कि कितना बुरा लगता है एक इंसान के हमारी ज़िंदगी से चले जाना, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सोच के भी ना रूह कांप उठती है, और सच में ऐसा हो जाए तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना बुरा लगता होगा उस इंसान को। खैर देखो, इन चीज़ों में हम कुछ कर नहीं सकते, जिसकी जितनी लिखी होती है ना वही होता है, पर आगे भी तो बढ़ना है ना ज़िंदगी में। कब तक ऐसे अकेले बैठ के परेशान रहने से, रोने से क्या होगा? यादें हैं बहुत, मेमोरीज है, उन मेमोरीज को याद मिलती भी तो नहीं है आजकल, सच्ची दोस्ती मिलती नहीं है। लेकिन बहुत से अगर बुरे लोग हैं ना दुनिया में, तो अच्छे लोग भी बहुत है, वो भी तो अच्छी थी ना। अच्छा तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, हम लोग साथ रह सकते हैं अच्छे दोस्त की तरह, ये समझ लेना कि उसी के रूप में मुझे तुम्हें एक अच्छी दोस्त मिल गई है। चलो फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंड सब, पर ऐसे परेशान नहीं रहोगे थोड़ी देर तो? ऐसा होगा ना यार, जिंदगी में ये तो हो गया है। कितने दिन हुए? 3-4 दिन हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ से रिकवर करने के लिए। चलो अच्छा कुछ खाने चलोगे आप मेरे साथ? एज अ गुड फ्रेंड बस, और कुछ नहीं। और ना सल्यूट है तुम्हारी दोस्ती को, आजकल के तो लोग इतनी मतलब ही दुनिया में ना ऐसा होता है ना, भूल ही जाते हैं कौन आया कौन गया, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से। लेकिन जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसको खोना बहुत बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ो ज़िंदगी में, और देखो उसके रूप पे तुम्हें भगवान ने एक दूसरा दोस्त दे दिया, तुम्हारे साथ में बैठा है मैं। खुश रहो, और चलो ये सोच लो मैं नेहा हूँ, और मेरे साथ कुछ खाने पीने चलो। चल रहे हो? अब आप इतना बोल रहे हो तो चलना ही पड़ेगा आपके साथ। चल रहे हो? आओ एज अ गुड फ्रेंड, चलो फ्रेंड्स। ऐसे भी करती थी वो? करती थी। आओ यस। तेरी यारी को मैंने तो खुदा तो गाइस आई
होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यार वीडियो से ये तो प्रूव हो गया सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप ये सब कुछ ही दुनिया में सब कुछ नहीं है, दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जिनके जो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनके यार खोने के डर से इंसान की रूह कांप उठती है। तो आप लोगों के भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हो गए यार जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे हैं। तो ये वीडियो दोस्ती के नाम पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने हर एक दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप लोगों को ये भी पता है यार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें फैमिली से मिलते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद चुनता है, जैसे कि दोस्ती। तो आप लोगों के ऐसे दोस्त ज़रूर होंगे, एक ट्रू फ्रेंड होगा ना जो हमेशा आपका साथ देगा। तो यार दुनिया में इंसान का कुछ अता पता नहीं है, लाइफ बहुत छोटी है, आज है हम कल नहीं है, कुछ नहीं पता। तो जब तक हमारे दोस्त हमारे जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ रहो, उनकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो अपनी दोस्ती की, और वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी दोस्ती के नाम पे सैल्यूट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।